नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके हेल्थ, आपकी बिजनेस, जॉब, लव लाइफ, सिंगल लाइफ एंड बाद में लेंगे गाइडेंस कार्ड। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, लियो यानी सिंह राशि। और आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो वो रेड या ब्लैक कलर की जो भी बटन आपके स्क्रीन पर आता है सब्सक्रिप्शन का, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और लाइक, शेयर, कमेंट करना भी मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं लियो यानी सिंह राशि, देखते हैं आपके हेल्थ में क्या आता है। ये रीडिंग होगी किंग ऑफ कप्स। आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आप पॉजिटिव सोचोगे। सिर्फ इतना आप करोगे कि आपके माइंड में जो भी होगा आप उसको हाइड करोगे। आप अपने इमोशन किसी से नहीं बताओगे, अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे, आप चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। ये बहुत ही अच्छी या पॉजिटिव साइन है। तो आप इन दिनों 13 से लेके 19 अप्रैल तक की जो वक्त मैंने बताया, इसमें आप अपना इमोशन थोड़ा हाइड करना चाहोगे और हाइड करने की कोशिश भी करोगे। अगर आप किसी से कुछ कहना भी चाहते हो, प्यार भी है, तो आप कुछ भी नहीं कहोगे, आप अपना इमोशन हाइड करोगे। आपका मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों ही अच्छा रहेगा। हेल्थ को लेके आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखते हैं जो स्टूडेंट हैं लियो, लियो के जो स्टूडेंट हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या आता है लियो यानी सिंह राशि। द हैरोफेंट, जो स्टूडेंट है वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा पावर गेन किया है। हो सकता है आप बहुत दिनों से कुछ नॉलेजेबल कुछ करना चाहते थे। अगर आप इस तरह की कुछ सोच रहे थे कि आपको कुछ नॉलेजेबल कुछ करना चाहिए, इसके लिए आप गुरु की शरण में जा सकते हो, आपकी गुरु की मदद लेनी पड़ेगी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया ऐसा कुछ करना चाहते हो जिससे आपकी नेम फेम जुड़ी हो, तो आपको अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए। जहाँ से आप ये सब सीख रहे हो या फिर जिसके लिए आप ये स्टडी कर रहे हो, वहाँ जो गुरु है आपके, जिनके सान्निध्य में आप ये सीख रहे हो, आपको उनको छोड़ना नहीं है, उनके शरण में जाना है, अपने आप को हील करना है। बहुत ही शांत तरीके से खुद को इस एग्ज़ाम हो या फिर किसी कंपटीशन हो या फिर अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हो तो आपको गुरु की शरण लेनी चाहिए। अभी देखते हैं जो बिजनेस करते हैं लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि के जो लोग बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस कैसे जाने वाला है। 13 से लेके 19 अप्रैल तक की क्वीन ऑफ कप्स, आपका बिजनेस तो बहुत ही अच्छा जाएगा। जैसे मैंने कहा हेल्थ रीडिंग में कि आप अपना इमोशन, अपनी बात, अपनी जो भी सीक्रेट बातें हैं, काम है, बिजनेस है, आप किसी से कुछ नहीं बताओगे। आप सब कुछ अपने अंदर रखना चाहोगे, इमोशन को कंट्रोल करोगे। हो सकता है आप जिनके साथ बिजनेस कर रहे हो या फिर आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो आपको देख के सब कुछ मालूम कर ले, लेकिन आप अपने मुंह से किसी को कुछ नहीं बताओगे। और हो सकता है इन दिनों आप थोड़ा सीक्रेटिव तरह से अपनी लाइफ को हैंडल करो, मतलब क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, खास करके आप ये किसी को बताना नहीं चाहोगे। तो बिजनेस में भी आपका जो समय है वो बहुत ही पॉजिटिव समय रहेगा। अब देखते हैं जो जॉब करते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, जो जॉब करते हैं वो खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। हो सकता है आप अपनी प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे तो आप प्रमोशन आपको मिलेगा। आप एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, पूरी मानसिकता के साथ अपना काम में आप व्यस्त रहोगे। आप सिर्फ काम के बारे में सोचोगे, दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे। हो सकता है आपको प्रमोशन चाहिए या फिर प्रमोशन के लिए आप बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। और
और इन दिनों आपका एटीट्यूड ऐसा रहेगा कि आप जो भी करोगे सिर्फ अपने लिए करोगे, अपने पोजीशन, अपनी पोस्ट, अपने बारे में सोचोगे। इन दिनों आपके पास कोई जादुई पावर भी आ सकता है कि आप जो सोचो, जो करना चाहो वो कर पाओ। हो सकता है गॉड की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बरसे और आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हो जिसके लिए आप खुद को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाओगे। आप अपने आप को सोचोगे कि मैंने ये कर दिया, मैं ये काम कर दिया, मुझसे ये काम हुआ है, मैंने किया। इस तरह की जो सेल्फ मोटिवेशन या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको हम बोलते हैं, आप खुद की पीठ थपथपाओगे। इन दिनों आप कुछ ऐसा काम जरूर कर सकते हो। अभी देखते हैं जो सिंगल हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आता है। जो सिंगल है, द लवर्स का कार्ड, यूनिवर्स ये आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप पहले किसी रिश्ते में थे, अभी आप सिंगल हो, हो सकता है ये कार्ड उन्हीं के लिए है जो रिश्ते में थे अभी सिंगल है, तो या फिर रिश्ते में है लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो यूनिवर्स ये आपसे यही कह रहा है कि आपको अपने रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहिए, कोई सॉलिड डिसीजन लीजिए। अगर आप बहुत दिनों से किसी रिश्ते को लटका के रखा है आपने, या फिर आप पहले रिश्ते में थे अभी रिश्ते से अलग हो, तो दोबारा से रिश्ते को एक चांस देना चाहिए और रिश्ते को लेके आपको कोई डिसीजन लेना ही चाहिए। ऐसा भी हो सकता है अगर आप खुद से कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो तो यूनिवर्स ही आपको ज़बरदस्ती कोई डिसीजन लेना करवा सकते हैं, तो आपको कोई डिसीजन लेना ही चाहिए। अभी देखते हैं जो रिश्ते में है, क्वीन ऑफ वांड्स के कार्ड, जो रिश्ते में है वो अपने पावर में रहेंगे, अपनी पोजीशन पे रहेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, खुद को प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि मैंने अभी देखा जो बिजनेस करते हैं, हो सकता है आप कोई बिजनेसमैन या वुमेन हो, इसीलिए आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे इन दिनों। आप जिनके साथ भी रिश्ते में हो उनको आपके साथ बात करने के लिए थोड़ी सोचनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो पावर, जो वाइब्रेशन रहेगा वो बहुत हाई रहेगा। आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, अपने खुद को प्रायोरिटी दोगे, खुद को क्या अच्छा लगता है, अच्छा खाना पीना पहनना रहन सहन, आपके जो सब कुछ, जो डेली की जो आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें आप खुद को मैं ही मैं, इस तरह की बिहेवियर आप कर सकते हो इन दिनों। और अगर आप रिश्ते में भी हो तो भी आपको ऐसा लगेगा कि अगर बात करना है तो मेरे पास आके बात करें, मैं किसके पास नहीं जा सकती या जा सकता, इस तरह की एटीट्यूड आपका रहेगा। मतलब आप खुद को किसी किंग क्वीन या फिर किसी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर सकते हो, जिसमें आपको लगेगा जिससे बात करना है वो मेरे पास आए, मुझे किसी के पास नहीं जाना है। अगर आप रिश्ते में हो तो भी और शादीशुदा हो तो भी, इन दिनों आप एक अलग ही दुनिया में रहोगे, अलग ही अंदाज में रहोगे, आपकी मिजाज कुछ अलग ही रहेगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स ही आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, थ्री ऑफ वांड्स, यूनिवर्स ही आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, हो सकता है आपको ऐसी किसी चीज़ का इंतज़ार है जो आपके पास नहीं है। अगर आप किसी रिश्ते में हो और आपका फियांसे या फिर आपका हस्बैंड बाहर रहता है या फिर वाइफ बाहर रहता है, तो आप उसकी तरफ सोच रहे हो, या फिर आप किसी रिश्ते में हो लेकिन फिर भी आप किसी दूसरे रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपके पास कोई जॉब है, बिजनेस है, फिर भी आप किसी दूर जाके, विदेश जाके, शहर से बाहर जाके कुछ करने की सोच रहे हो, तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि जो आपके पास है वो भी ख़राब नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि किसी और शहर में जाके बिजनेस करना, जॉब करना या फिर किसी और के साथ रिलेशन में आना, तो आपको अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा दूर के जो देखते हैं, दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं, तो वैसे तो लियो जो होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं, आप लोग समझदार हो लेकिन थोड़ा इमोशनल हो, तो आप जो भी डिसीजन लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा। और आप हमेशा ऐसा ही करते हो जो आपके हित में होता है, किसी की खराब ना सोच के,
तो आप वही डिसीजन लेते हो। तो अभी भी आपको ऐसा ही करना है, हो सकता है आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आप उस ऑप्शन की तरफ जाइए जो आपके लिए सही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।